समक्ष रखना चाहता हूँ। बांग्लादेश से अध्यक्ष जी, भारत का एक विशेष रिश्ता रहा है। 1971 में बांग्लादेश की संरचना में भारत ने एक विशेष भूमिका निभाई थी, जिससे जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक मैप है वो 1947 के बाद एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियाँ बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत ही चिंताजनक है। जनवरी 2024 में शेख हसीना जी के नेतृत्व में अवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी और लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वो मुल्क छोड़ना भी पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले 3-4 वर्ष में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है। चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, और पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है वो सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है। और इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है उसका सीधा सीधा असर भारत पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पर पड़ता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा, जब विदेश मंत्री जवाब देंगे, कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी।